आशीष मिश्रा की जेल से रिहाई के आदेश आ चुके हैं। बड़ी खबर यह है, लखीमपुर हिंसा केस में जमानत मिली है। लखीमपुर हिंसा केस में मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा और अब आशीष मिश्रा की जेल से रिहाई के आदेश आ गए हैं। 10 फरवरी को ही जमानत मिल गई थी और जमानत का आदेश मिल गया था, राहत मिल गई थी और अब आशीष मिश्रा जेल से बाहर आ जाएगा। थोड़ी देर में जेल से रिहा होगा आशीष मिश्रा। आशीष मिश्रा जो कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा जी और मेरे साथी आमिर हक ज्यादा जानकारी के साथ में इस समय जुड़े हैं। आमिर, क्या अपडेट है, राहत मिल गई है आशीष मिश्रा को अब? बिल्कुल, देखिए बेल ऑर्डर पास हो गया था। मैं आपकी आपका दोबारा रुक करती हूँ। मेरे साथ पे गोपाल स्वरूप जी मौजूद हैं इस समय जो कि वकील है। गोपाल स्वरूप जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, दरअसल हमारे दर्शकों को जरा समझाइए कि किस तरह से राहत मिली है अब आशीष मिश्रा को। आशीष मिश्रा की बेल हाईकोर्ट ने दे दिया है, उसमें दो सेक्शंस छूट गए थे इसलिए उनके करेक्शन में इतना टाइम लग गया और अब वो ऑर्डर सीजीएम की कोर्ट को कम्युनिकेट हो गया होगा। सीजीएम रिलीज ऑर्डर इशू करेगा और जेल के अधिकारी उसके बिना पर छोड़ देंगे। अच्छा, तो ये कितने समय की पेरोल होगी सर और किस तरह का, जो त्रुटियां थी आप बता रहे थे कि कुछ कमी भी रह गई थी, अब इसे किस तरह से देखेंगे? ये रेगुलर बेल हुई है, पेरोल नहीं हुई है और इसकी कोई सीमा समय सीमा नहीं बांधी गई है जी। ये ट्रायल जब तक ट्रायल चलेगा तब तक ये जमानत पर रहेंगे। ठीक है, हमसे जुड़े के लिए गोपाल स्वरूप जी आपका शुक्रिया। आशीष मिश्र के ये वकील हैं, आपने सुना उनका कहना है कि अभी फिलहाल आप ये बताते चले कि जमानत पर बाहर आ गए हैं और बड़ी राहत जरूर कही जा सकती है आशीष मिश्रा के लिए। मेरे सहयोगी आमिर हक भी जुड़े हैं। आमिर, कब तक आशीष मिश्र अब जेल से बाहर आ जाएगा, क्या वहां पर हलचल इस समय है? देखिए, थोड़े ही समय की बात है जब आशीष मिश्रा जो कि अजय मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे हैं, पिछले 4 महीनों से जेल में थे तिकुनिया कांड के बाद, तो वो अब थोड़े ही समय बाद उनको जेल से छोड़ दिया जाएगा, रिहा कर दिया जाएगा, क्योंकि जितनी भी फॉर्मेलिटीज थी, औपचारिकताएं थी, उनको पूरा कर दिया गया है। 10 फरवरी को बेल ग्रांट कर दी गई थी हाईकोर्ट की ओर से, लेकिन चूंकि बेल ऑर्डर में कुछ त्रुटियां थी, मसलन 302 और 120 भी जो कि कॉन्स्पिरेसी और मर्डर के चार्जेस थे जो कि चार्जशीट में बाद में ऐड हुए थे उस पूरी FIR में, वो उस बेल ऑर्डर में मौजूद नहीं थे। इस कारण से करेक्शन के लिए वो बेल ऑर्डर वापस गया, बीच में सैटरडे संडे का के दिन पड़ गए और इसलिए आज 15 तारीख को रिलीज ऑर्डर आखिरकार तैयार हो पाया है। और अभी जैसा हम लोग बात कर रहे हैं, अवधेश सिंह जो कि उनके वकील हैं यहाँ पर स्थानीय, वो जिला जेल लखीमपुर खीरी पहुंचे हैं और अब से बस कुछ ही मिनटों बाद जो औपचारिकताएं हैं रिलीज की उनको पूरा कर दिया जाएगा और उसके बाद आशीष मिश्रा जेल से बाहर होंगे। ठीक है आमिर, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो अब जो तमाम फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी करने के बाद में आशीष मिश्रा अब जल्द ही जेल से बाहर आ जाएगा। बड़ी राहत आशीष मिश्रा के लिए जरूर कही जा